Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So in today's video, we are going to make a scented candle at home. मुझे वो थोड़ा background में decoration के लिए चाहिए था, but वो काफी महंगे आते हैं, आप सभी को पता ही होगा. तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम उसे खुद से बनाने का try करें घर पे ही. तो वो हमारा काफी सस्ते में हो सकता है. तो आज के वीडियो में हम वही करने वाले हैं. मैंने वैसे कभी पहले try नहीं किया है खुद से ऐसे बनाकर घर पे candle वगैरह, but मैं first time ऐसे एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ और खुद से मतलब बनाने जा रही हूँ. देखते हैं कैसे क्या बनता है और जिस तरीके से मैं वो बनाऊंगी आप लोगों से शेयर करूंगी. दैट्स इट. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो कैंडल बनाने के लिए चाहिए होगा हमें कैंडल वैक्स, जो मेरे पास है नहीं. और मेरे पास ये दिवाली के बचे हुए ना कुछ कैंडल्स हैं, इतने ही हैं. अगर हमें चाहिए होगा तो हम और मंगा लेंगे. इतने ही मेरे पास है, मुझे पहले पता नहीं था कि इतने ही हैं, बट अभी मैंने देखा तो यही थे. और मैंने यहाँ पर से ना अपने लोकल शॉप से, बर्तन वाली दुकान से ना, मैंने इस टाइप का ऐसे ग्लास ले लिया है. ये मुझे 20 रुपये का, 25 रुपये का मिला था. और एक और मैंने ग्लास लिया है ये वाला, ये मुझे 20 रुपये का मिला था, देख सकते हैं आप. मुझे लगा था ना ये जो बॉक्स है ना पूरा फुल है कैंडल से, मैंने देखा नहीं था इसके अंदर कितने कैंडल है कितना नहीं, इसलिए मैंने 2 ग्लास ले लिया कि दोनों में मैं भर लूंगी कैंडल. हाँ, बट यही निकले हमारे पास कैंडल्स. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ना इसे पिघलाना है. उसके लिए ना मैं डबल बॉयलर मेथड यूज करूँ. उसके लिए क्या करना है, हमें एक पैन में पानी गर्म करना है एंड उसके ऊपर से कोई एक बड़ा सा बोल जो है वो रख देना है. आप देख सकते हैं मैं ये 4 व्हाइट वाले कैंडल्स भी खरीद के लेके आई, मुझे लगा था कि कम पड़ जाएगा. तो ये व्हाइट वाले कैंडल्स मैं 1 ग्लास के लिए यूज करूंगी एंड जो कलरफुल वाले हैं वो 2 ग्लास के लिए. और आप देख सकते हैं कि मैंने कैंडल को सही से नहीं तोड़ा है, मतलब उसके अंदर का धागा जो है ना वो हमें चाहिए कैंडल में लगाने के लिए, तो हम इसी में से वो निकालेंगे. तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे कैंडल जो है वो पिघलना शुरू हो गया है. मैं जो ये थ्रेड्स है इसमें कैंडल्स के वो निकाल लेती हूँ एंड अब कैंडल जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है. इसके अंदर मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस डालूंगी थोड़ी सी स्मेल के लिए. ये वाला वनीला एसेंस काफी अच्छा है, ये मैं केक वगैरह बनाने में यूज करती हूँ, काफी अच्छी स्मेल आती है इसकी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, अगर आप चाहे तो आप भी बाय कर सकते हैं. तो अब हमें क्या करना है, ये जो मैंने थ्रेड निकाला है इसमें से, तो मेरे पास एक लकड़ी का पीस है. आपको भी कोई सा भी एक लकड़ी का पीस ले लेना इस टाइप से, डंडा टाइप से. तो उसमें ना मैं इसको बांध लेती हूँ और ग्लास में फिट करके देखते हैं कि ये कहाँ तक आ रहा है. आई थिंक ये बड़ा है तो इसको मैं कट कर लूंगी. तो आप देख सकते हैं कि अब इसमें फिट आ रहा है. तुम्हारा कैंडल जो है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है. तो अब हम इसको अपने ग्लास में डाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि ये बस इतना सा ही आया, मतलब 4 कैंडल्स थे फिर भी इतना सा ही आया. कोई बात नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था, बट चलेगा इतना भी. तो जो मैंने वो कैंडल वाला थ्रेड जो बांध के रखा था इसके ऊपर मैं ऐसे रख देती हूँ. सेंटर में बिल्कुल हमें इसे प्लेस करना है और इसको इसी तरीके से रख देना है, सेट होने के लिए छोड़ देना है. तब तक हम दूसरा कैंडल बनाते हैं. इसको भी मैं सेम उसी तरीके से करूंगी, मैं कैंडल्स को तोड़ तोड़ के बोल में डाल लेती हूँ. सेम तरीके से हमें इसको भी मेल्ट करके जो हमारे थ्रेड्स वगैरह होंगे उसको हटा लेना है. और इस ग्लास के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने ये स्पून है इसमें मैं अपना थ्रेड जो है वो बांध लेती हूँ और साइज के हिसाब से इसको कट कर लेती हूँ. तो अब ये फिट आ रहा है, अब हमारा कैंडल भी मेल्ट हो चुका है. तो अब मैं इसको ग्लास में डाल लेती हूँ और इसके ऊपर जिस तरीके से हमने उस लकड़ी को प्लेस किया था ना थ्रेड को बिल्कुल सेंटर में, उसी तरीके से हमें इस स्पून को भी रखना है. बिल्कुल सेंटर में हमारा थ्रेड जो है वो आना चाहिए. तो ये हो चुका है और अब हमें इन दोनों को सेट होने के लिए छोड़ देना है. मैं तो थोड़ा सा थोड़ी देर इनको बाहर रख के ना फ्रिज में रख दूंगी, देन हम देखेंगे हमारा कैंडल कैसा हुआ है और उसको हम जलाकर भी देखेंगे. तो हमारे कैंडल जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं. अब हम इसको जला के देखते हैं कि ये कैसा वर्क कर रहा है. सो दिस इज लुकिंग सो प्रिटी एज यू कैन सी. सो गाइस आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कैंडल बर्न हो रहा है काफी सही मतलब तरीके से हो रहा है, बट ये वाला कैंडल जो बर्न हो रहा है ये थोड़ा सा सिर्फ ये सेंटर से ही बर्न हो रहा है और ये थोड़ा सा इसमें इस तरह से ब्लैक ब्लैक धुएं से भी हो रहे हैं. आई थिंक इस ग्लास में कुछ शेप में कुछ प्रॉब्लम है, बट ये वाला काफ़ी सही है. या फिर हो सकता है कि इस कैंडल वैक्स में कोई प्रॉब्लम हो, बट ठीक है, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड स्मेल भी अच्छी आ रही है. सो गाइज आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है हमारा कैंडल और दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है. स्मेल की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा हल्की सी माइल्ड सी स्मेल आ रही है मुझे वनीला की, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है. मैंने इससे पहले कभी सेंटेड कैंडल्स वगैरह खरीदे नहीं हैं. इन फ्यूचर मैं खरीदूंगी, बट अभी मुझे ज़्यादा स्पेंड नहीं करना था और ये बैकग्राउंड में भी काफ़ी अच्छा लगेगा. आप देख सकते हैं अभी तो मैंने जस्ट ऐसे ही नॉर्मल बैठने के लिए वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही कर लिया यहाँ पर सेटअप थोड़ा सा, तो फिर भी ये काफी अच्छा लग रहा है. ओके, तो मैंने ये जो फेक प्लांट लगाया था वो हटा दिया है, अब ये मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, खाली खाली सा थोड़ा सा सिंपल सा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो. आप लोग भी इसी तरह से कैंडल्स घर पे बनाइए, सस्ते में भी हो जाता है और दिखने में भी काफी प्रिटी लगता है. तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.